तो कैसा लग रहा है आपको ये आटे का बर्गर? जी हाँ, आपने पाव रोटी के बर्गर तो बहुत खाए होंगे ब्रेड के। आज मैं आपको आटे के बर्गर बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी बिल्कुल नया है और देखिए मैंने इसमें क्या क्या फिल किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बेस्ट इन टेस्ट। तो मैंने ये रेसिपी बनाया और सबको खिलाया, बहुत पसंद आया। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको भी बनाइए और अपने घर पे खिलाइए। बहुत टेस्टी होता है आटे का ये बर्गर, बहुत हेल्दी है। इसमें जितनी चीज़ मैंने मिलाया है सब घर पे अवेलेबल होते हैं, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैगी में मैंने थोड़ा एक पैकेट दो पैकेट मैंने मैगी ख़रीदा, और जो ऊपर आप सेब देख रहे होंगे वो भी मैंने घर का ही है। मैंने इसकी रेसिपी शेयर की कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी इसका वीडियो, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल नया रेसिपी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका आनंद ले पाएँ। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चले जाए। और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियो पे, शेयर पे टच करिएगा तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह सब आ जाएगा। आप उस पर मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत आभारी रहूँगी मैं। तो चलिए देखिए मैंने बर्गर बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो मैंने ये लिया है एक कटोरी हमारा आटा है, और मैंने बेसन लिया है ये चम्मच जो दिख रहा होगा इस चम्मच से करीबन एक चम्मच के करीब है, थोड़ा सा ज़्यादा। और ये चावल का आटा है ये भी इसी चम्मच से एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये मैंने घी लिया है थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार मैंने फिर नमक लिया है, और मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है तो उसका भी यूज़ करूँगी, मैं दिखाना भूल गई थी। तो फिर मैं सब चीज़ को एक मिक्स कर दूँगी एक बड़े से बर्तन में डाल के, तो मैं सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए आटा डाल दिया, नमक डाल रही हूँ, बेसन डाल दिया, और चावल का आटा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ, और इन और घी डाल दूँगी। और इन सबको अच्छे से डालने के बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथों की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक अच्छा सा सख्त डो तैयार कर लेंगे, मतलब जैसा आप नॉर्मल रोटी के लिए डो तैयार करते हो वैसा ही करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। तो मैं वो तैयार कर लेती हूँ। और थोड़े थोड़े पानी मिला के, पानी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल नॉर्मल पानी का यूज किया था, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैं अच्छा सा डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्ट डो रेडी हो चुका है, मैं अभी कर ही रही हूँ, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करें, यहाँ पे परफेक्ट डो हमारा रेडी हो चुका है देखिए। और इसे मैं कुछ देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी ताकि अब बाकी मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। तो मैं इसे ढक के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दी। तो ये बॉयल किए आलू है, ये पाँच आलू है छोटे छोटे, छोटे बड़े साइज़ दोनों मिला के, तो इनको मैं भूंज लूँगी। भूंजता हुआ मैं नहीं दिखा रही हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे नॉर्मली बस भूंज लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे भूंज लिया है, मैंने बस सरसों और हींग से छौंक लगा के नमक और हल्दी डाला है। अगर आप प्याज वगैरह डाल के भूनना चाहते हो तो वो भी कर लो, मेरे घर पर अभी कुछ था नहीं। तो देखिए मैंने आलू भूंज लिया है, उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में मैगी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद मैं अब इसमें मैगी डालूंगी। तो मैगी हमें थोड़ा सा सूखा रखना है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यूज किया, और मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस जो मसाले मैगी में मिलते हैं उससे मैं बना रही हूँ। मैगी हमारा इतना ही सूखा रखना है, गीला नहीं रखना है। और यहाँ मैं टमाटर सॉस है मैंने एक बॉल में निकाल लिया, और यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस, और ये हमने आलू जो भूंजा था वो है। तो अब हम चलिए नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा जो मैं बर्गर बना के रखूंगी, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी है। मैंने ये खाया और बनाया, सबको खिलाया, सबको बहुत पसंद आया, तो सोचा मैंने कि चलिए ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पे तावा चढ़ा लिया, हम तावा पे इसको सेकेंगे, जो मैंने आटा लगा के रखा था आटा को चेक करूँगी। करीबन मैंने इसे 10 मिनट छोड़ा, तो उसके बाद अब मैं ये आटा अच्छी तरह से हमारा स्प्लिट भी हो चुका है, अब हम इसकी लोई बनाएंगे उसके बाद। तो
यहाँ पे मैंने सारे लोई को काट लिया और गुलिया ली हूँ और तवा चढ़ा दिया है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। हमें छोटा छोटा बनाना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा भी ज़्यादा नहीं रखना है। तो तवा गर्म हो चुका है, जितना आपके तवा पे अटेंगे उतना आपको डाल देना, और आँच का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और ज़्यादा आप तेज कर दोगे तो ऊपर से मतलब पक जाएगा, अंदर से हमारा नहीं पक पाएगा, तो इसलिए मीडियम रखें। तो हमारा जितना तवा पे जगह है उतना मैं इसे डाल दूँगी। उसके बाद आप इसे पलट पलट के हमें अच्छी तरह से पका लेना है और घी लगाना है। जब हल्का दोनों तरफ से हमारा ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो हमें घी लगा के और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेना है। तो दोनों तरफ से हो जाएंगे, उसके बाद अच्छे से प्रेस कर के थोड़ा सा हम दोनों तरफ से पका लेंगे। हमारा कलर चेंज हो जाने के बाद देखिए हमारा कलर दोनों तरफ से चेंज हो चुका है। तो हमारा ये हो चुका है, अभी इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने इसे सारे जितने था उन सबको निकाल के अगला फिर दूसरी बार मैंने चढ़ा दिया। दो बार में मेरे सारे निकल गए थे तो मैंने दूसरी बार डाल दिया। और हमारे मैंने आपको दिखाया था इसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो देखिए हमारा रेडी हो चुका है। ये जो सेब दिख रहे होंगे घर का है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। तो अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चिल्ली सॉस लिया है, टमाटो सॉस लिया, और ये हमारी मैगी और आलू है, और फिर ये हमने जो बना के रखा है यही बर्गर का काम करेगा, और प्याज को स्लाइस में काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट हम लेंगे, इस पर हम टमाटो सॉस लगाएंगे, और उसके बाद हम आलू डालेंगे। जो हमने आलू लिया था उसे फिल करेंगे, प्रेस करते करते चारों तरफ से हमें प्रेस कर लेना है। और अगर आपके पास कैप्सिकम है, टमाटो है, और मतलब जो जो आपके पास है कुकुम्बर है, तो आप वो भी डालिए। मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं बस जो था घर में उससे मैंने बनाया। उसके बाद मैंने मैगी को डाला ऊपर से, उसके बाद थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऊपर से छिड़क दिया, और फिर मैं जो प्याज को स्लाइस में काटी हूँ उसे डाल दूँगी। और आफ्टर ऑल हम ऊपर से सेब डाल देंगे, और सेब डालने के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम ग्रीन चिल्ली सॉस लगाएंगे। तो मैं इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस लगा ले रही हूँ, और उसके बाद हम इसे दोनों को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, और ये हमारा बर्गर रेडी है। और ये खाने में मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत टेस्टी हुआ था, एक बार ट्राई ज़रूर करें। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस घर का सारा चीज़ है, तो एक बार ट्राई करने में क्या है। तो देखिए फिर इसी प्रकार मैंने सारा बना लिया, और ऊपर से अब मैं डेकोरेट करूँगी। तो मैं ऊपर से हल्का हल्का सॉस डाल दे रही हूँ, और सॉस डालने के बाद मैं इस पर ऊपर से सेव थोड़े थोड़े डालने के बाद, और मैं जो प्याज है उसकी स्लाइस डाल दूँगी। और ये देखिए हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और खाने में तो बता नहीं सकती हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये रेडी हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? खाने में तो बहुत टेस्टी था, तभी तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर की। हमें बहुत पसंद आया खाने में, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी वीडियो शेयर करते हैं। बहुत ही बिल्कुल नया नाश्ता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और मेहमान के सामने लेके जाइएगा तो वो पूछ उठेंगे कि आखिर आपने ये नाश्ता कैसे बनाया। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और हाँ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस नए नाश्ते के आनंद ले पाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी।